हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल में विश्व हेरिटेज सप्ताह कार्यक्रम 18 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2022 तक रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश अनुसार आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत हेरिटेज संबंधित विभिन्न कार्यक्रम जैसे हेरिटेज वॉक, हेरिटेज संबंधित विषय पर बच्चों के लिए क्विज और पेंटिंग कॉम्पिटिशन तथा रेलवे हेरिटेज एवं जलवायु परिवर्तन विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर सोमवार 18 अप्रैल 2022 को विश्व हेरिटेज दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल द्वारा हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। यह हेरिटेज वॉक सुबह 7 बजे मोतीबाग स्टेडियम से प्रारंभ होकर मोतीबाग रेलवे कॉलोनी कामठी रोड होकर नैरोगेज रेल संग्रहालय में समाप्त हुई। मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल के नेतृत्व में लगभग 100 रेल कर्मचारियों ने इस हेरिटेज वॉक में भाग लिया। हमारी रेल हमारी धरोहर, हमारी रेल हमारा गर्व, इन नारों के साथ आम जनता में रेल धरोहर के विषय में जागरूकता बढ़ाई गई। इस हेरिटेज वॉक में अपर मंडल रेल प्रबंधक ए.के. सूर्यवंशी, अपर मंडल रेल प्रबंधक जी.वी. जगताप, समस्त शाखा अधिकारी, सुपरवाइजर, आरपीएफ स्टाफ, सिविल डिफेंस स्टाफ व रेल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मध्य रेल नागपुर मंडल ने भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर डी.आर. अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाई। ऋचा खरे मंडल रेल प्रबंधक ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक पी.एस. खैरकर, अपर मंडल रेल प्रबंधक जय सिंह और वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी एन.एस. काजी और सभी शाखा अधिकारी तथा कर्मचारीगण उपस्थित थे। रमजान के मुबारक महीने में पटेल नगर बोरगांव निवासी हाजी अब्दुल कादिर कुरैशी का पोता 9 वर्षीय सैयद जवाद तथा पोती 9 वर्षीय रहमत रहीमिन ने इस गर्मी के मौसम में अपने रब को राजी करने के लिए रोजा रखा। इन बच्चों ने अल्लाह से देशवासियों में भाईचारा और अमन के लिए दुआ की। घर के बड़ों ने बच्चों को दुआओं से नवाजा। सैयद जाकिर कुरैशी, सैयद समीर समेत अन्य परिजनों ने बच्चों को दुआएं दी। श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर श्री मंगलेश्वर तपोवन मंदिर ट्रस्ट द्वारा महाप्रसाद का भव्य आयोजन किया गया। मंदिर के सदस्यों द्वारा सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद वितरण किया गया। भक्तजनों का भी भारी संख्या में प्रतिसाद मिला। मंदिर के पुजारी प्रदीप कुमार पांडे ने सर्वप्रथम मंदिर में श्री हनुमान जी को रुद्राभिषेक करवाया। प्रभाग 14 के नगर सेवक कमलेश चौधरी ने भी मंदिर में पूजा अर्चना की। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंदिर के सचिव भोजराज पाइक तथा ट्रस्ट के सदस्य राजेश परतेकी, रामकुमार मिश्रा, बबली परतेकी, राजेंद्र राठौड़, अलक पांडे, सौरभ कहार, राजेश सायरे, प्रिंस पाइक ने अपना अहम योगदान दिया। देश के सेना प्रमुख बनकर जनरल मनोज पांडे ने नागपुर का मान बढ़ाया है। पहली बार शहर से कोई आर्मी चीफ के पद पर पहुंचा है। सेना प्रमुख बनने वाले पांडे इस पद पर पहुंचने वाले पहले इंजीनियर होंगे। अब तक इन्फेंट्री, आर्म्ड और आर्टिलरी अधिकारी ही आर्मी चीफ बनते रहे हैं। नागपुर में जन्मे जनरल पांडे की स्कूली शिक्षा वायुसेना नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय से हुई। 11वीं कक्षा के बाद ही उन्हें नेशनल डिफेंस अकादमी में प्रवेश मिला। एनडीए में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंडियन मिलिट्री अकादमी में प्रवेश लिया। पांडे के परिजन नागपुर में ही रहते हैं। उनके पिता डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे साइकोथेरेपिस्ट थे। नागपुर विद्यापीठ में साइकोलॉजी विभाग के प्रमुख पद से सेवानिवृत्त है। उनकी मां प्रेमा पांडे ऑल इंडिया रेडियो की लोकप्रिय उद्घोषक थी। रेडियो पर प्रसारित होने वाला मधुमालती कार्यक्रम होस्ट करती थी। वर्ष 1982 में सेना में कमीशन पाने के बाद पांडे ने विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया। वर्ष 1987 में उन्होंने नागपुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज के डेंटल विभाग से गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अर्चना सालपेकर से उन्होंने विवाह किया। आर्मी चीफ के पद पर पहुंचकर उन्होंने नागपुर का गौरव बढ़ाया है। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस समेत कई स्थानीय नेताओं ने उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई दी है। मूल रूप से नागपुर के निवासी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के 29वें थलसेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। सोमवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह नागपुर और महाराष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, शहरवासियों और हम सभी महाराष्ट्रीयन लोगों के लिए यह एक बहुत गर्व का क्षण है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को भारतीय सेना के नए सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। बहुत बहुत बधाई। इस आशय के विचार उन्होंने व्यक्त किए। देश के विभिन्न राज्यों में त्योहारों के दौरान हो रही हिंसा के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा
मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग करने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। ऐसे में लाउडस्पीकर को लेकर सीपी अमितेश कुमार से चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के निर्देशानुसार ही लाउडस्पीकर पर कार्रवाई की जाएगी। नागपुर पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। शहर के नागरिकों ने हमेशा सामाजिक सौहार्द बनाए रखा है। आगे भी शहर में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस तैयार है। यदि कोई शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेता हो या कार्यकर्ता, जो कानून हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी किसी के बहकावे में आकर ऐसा कोई काम न करे कि शहर का माहौल खराब हो। हम सभी धर्मों के गुरुओं से बातचीत कर रहे हैं, बैठक भी ली जा रही है। नेताओं से भी शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। नागरिकों से अपील है कि सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट या कमेंट वायरल न करे। साइबर सेल द्वारा सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करे। सिटी पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। धारस्कर रोड इतवारी स्थित श्री बालकृष्ण लालजी हवेली में श्री जयवल्लभ लालजी महोदय ने अपने वचनामृत में वैष्णवों से कहा, ब्रह्म संबंध कृपा साध्य है, भक्ति साध्य नहीं। आचार्य जी को पुष्टि मार्ग के नामकरण की प्रेरणा भगवत से प्राप्त हुई। भगवान का अनुग्रह ही जीव का वास्तविक पोषण है। श्री वल्लभ जी को दृढ़ विश्वास था कि भगवान की भक्ति भगवान के अनुग्रह अर्थात पोषण से ही मिल सकती है। जिस मार्ग में भगवत अनुग्रह से ही लौकिक और वैदिकी सिद्धि प्राप्त होती है उसे ही पुष्टि मार्ग कहते हैं। इस प्रकार भगवत अनुग्रह अर्थात भागवत पोषण पुष्टि मार्ग का प्रमुख तत्व है। वैष्णव जनों ने राजभोग में फूल मंडली के दर्शन सुबह 11:30 बजे किए। शयन दर्शन में कमल तलाई मनोरथ के दर्शन शाम 7 बजे किए गए। इस अवसर पर हवेली में कीर्तन की प्रस्तुति की गई, जिसका लाभ वैष्णव जनों ने लिया। हवेली ट्रस्ट ने सभी वैष्णवों का आभार माना। मुफ्त सुविधाओं की घोषणा अनुचित या उचित, विषय पर विचार विमर्श के दौरान चिंतन कक्ष में अध्यक्षता करते हुए पारसनाथ शर्मा ने कहा कि राजनीतिक दलों की मंशा को देखते हुए अगर सही मायने में वह काम वंचितों के लिए हो रहा है तो यह उचित है, अन्यथा अनुचित है। उन्होंने आगे कहा, दल अपने फंड से की गई योजनाओं को पूर्ति क्यों नहीं करते। प्राकृतिक आपदा और कोई संकट आ जाए तो यह सरकार का दायित्व भी है। वही कृष्ण कुमार द्विवेदी का मानना था कि इन घोषणाओं के कारण आज कुछ वर्ग के लोग सुविधा भोगी हो गए हैं। वे काम करने के दायित्व से पीछे हट रहे हैं। इसके कारण खेतों में या शहरों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। मराठी के प्रसिद्ध साहित्यकार ज्योतिराव रड़के ने कहा कि फ्री बिजली, फ्री 5 किलो अनाज, कई करोड़ शौचालय, ऐसे उपक्रम बिना किसी नियोजन के गलत तरीकों से नियोजित किए गए, जो आज के लोकतंत्र में प्रशासन व्यवस्था के कई परेशानियां कड़ी कर सकती है। और सही नियोजन न किया गया तो इसका असर बिल्कुल विपरीत हो सकता है। दान से अगर जनतंत्र खड़ा होगा तो अधिनायकवाद और दमन की संभावना भी ज्यादा होगी। जनतंत्र जाति, धर्म और प्रलोभन से नहीं चलाए जा सकते। चिन्मय गुतमारे ने सोमवार सुबह नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद ग्रहण किया। उसके बाद गोतमारे ने मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी से मुलाकात की और शहर के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों और प्रशासन द्वारा अमल में लाई जा रही परियोजनाओं पर चर्चा की। पूर्व सीईओ भुवनेश्वरी एस को वनामती निदेशक के पद पर स्थानांतरित करने के पश्चात गोतमारे को सीईओ बनाया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से शहर के वरिष्ठ और अपंग नागरिकों के लिए एक अभिनव योजना चलाई जा रही है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना भाजपा कामगार आघाड़ी नागपुर महानगर की ओर से तांडापेट स्थित शिविर में पिछले एक महीने से अमल में लाई जा रही है। सोमवार को फिर तांडापेट से सुरेश भट्ट सभागृह रेशिम बाग तक बस सेवा शुरू की गई है। इस बस सेवा का मुख्य आयोजन अध्यक्ष भास्कर पराते कर रहे हैं और उन्होंने मध्य नागपुर के नागरिकों को बड़े पैमाने पर इस सुविधा का लाभ लेने का आह्वान किया है। इस योजना में भाजपा कामगार आघाड़ी के सभी पदाधिकारीगण कार्यरत है। विकास बैसवारे, सोनू खड़गी, भाजयुमो उपाध्यक्ष यश पांडे, प्रवीण शिरपुरकर, अमृत भानु से विजय पौनीकर, अनिल खालगु ने, नितेश मांडवकर, रजत पराते, अन्य पदाधिकारी विशेष रूप से प्रयासरत है। वैशाली नगर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उद्यान में पतंजलि योग के केंद्रीय प्रभारी योगतज्ञ स्वामी परमार्थ देव जी महाराज तथा भारत स्वाभिमान के प्रभारी स्वामी आनंद देव जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत दीप प्रज्वलन व पुष्प स्वागत से हुई। दिनेश राठौड़, युवा प्रभारी शंकर नागपुरे, कोषाध्यक्ष प्रदीप काटेकर, महामंत्री शशिकांत जोशी, यज्ञ प्रभारी माधुरी ठाकरे, कार्यालय प्रभारी अथर्व गान, नागपुर जिला प्रभारी भारत स्वाभिमान, प्रभारी दीपक येवले, योग समिति के डॉक्टर जीवेश पंचभाई, राम अगासे,
शंकर जांभुलकर, कमल गुप्ता, दीपक जरगर, रितु जरगर, प्रशांत जिपकाटे, नागपुर दक्षिण प्रभारी शंकर डबाले, योग संपदा के गंगाधर पोडलीवार का पूरा योग ग्रुप शिविर में उपस्थित रहा। योग शिविर में योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, एक्यूप्रेशर पॉइंट व रोगानुसार आसन व प्राणायाम का मार्गदर्शन किया गया। आयुर्वेद की संशोधित औषधियों के विषय में जानकारी भी दी गई। योग प्राणायाम से व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है और इस बारे में मार्गदर्शन किया गया। शिविर के सफलतार्थ उत्तर नागपुर के सुभाष कुलश्रेष्ठ, मीना कुलश्रेष्ठ, देवीदास ठाकुर, उमेश निकोड़े, मदन सांगोड़े, महादेव शेंडे, चिंतामन राउत, मनोज भरतकर, सूर्यकांत बारापात्रे, प्रदीप पाखोड़े, प्रीति केवल रामानी, पी लक्ष्मी, अनिता शेगोकर आदि पदाधिकारियों एवं योग साधकों ने प्रयास किया। कलामंच के तत्वावधान में जारी विशेष सत्कार श्रृंखला में बजाज नगर पुलिस स्टेशन की निरीक्षक शुभांगी देशमुख को उनकी निरंतर सेवाओं हेतु सप्तर्षि मानव सेवा सम्मान प्रदान किया गया। कलामंच की ओर से संयोजक नरेंद्र सतीजा ने शॉल, श्रीफल व विशेष स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सत्कार किया। कवि अनिल मालोकर ने बताया कि इस कविता संग्रह के माध्यम से कोरोना काल में विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं देने वालों को कोरोना सैनिक का सम्मान देकर सत्कार किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित जीएसके ब्लड सेंटर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आशीष खंडेलवाल ने कोरोना काल में आयोजित रक्तदान शिविरों के माध्यम से संस्था द्वारा दी गई सेवाओं की जानकारी दी। कलामंच के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए शुभांगी देशमुख ने कहा कि शीघ्र ही इस पुलिस स्टेशन में मानव सेवा को समर्पित रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। सप्तर्षि प्रतिष्ठान में डॉक्टर सागर खादीवाला, डॉक्टर रेणु बाली, डॉक्टर नीरज व्यास, दयाशंकर तिवारी, अविनाश बागड़े, अनिल मालोकर एवं नरेंद्र सतीजा का समावेश है। बाबा श्याम के 8 दिवसीय कीर्तन के दूसरे दिन स्वामी नारायण एन्क्लेव वाठोड़ा में अनिल अग्रवाल परिवार द्वारा बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार कर सुंदर दरबार सजाया गया। अग्रवाल परिवार द्वारा अखंड ज्योत प्रज्वलित कर कीर्तन की शुरुआत की गई। जयपुर के संजय पारिक एवं नैनीताल के रितेश मनोचा द्वारा अपनी सुमधुर वाणी में बाबा श्याम के भजनों का गुणगान किया गया। उपस्थित सभी श्याम प्रेमियों ने अखंड ज्योत दर्शन एवं प्रसाद लाभ ग्रहण किया। इसी प्रकार 19 को दुनेश्वर पेठे के सूर्य विमान निवास हिवरी लेआउट, 20 अप्रैल को उमाकांत अग्निहोत्री के डिप्टी सिग्नल, 21 को विधायक मोहन मते के निवास स्थान में, 22 को राजेश ठाकुर के नटराज टावर महल, 23 को रविनाश पांडे के प्लॉट 13 नेताजी नगर में श्याम बाबा के भजनों की प्रस्तुति होगी। इस साप्ताहिक की पूर्णाहुति 24 अप्रैल को कॉटन मार्केट में होगी, जिसमें भजन प्रवाहक संजय मित्तल, सरदार रोमी सिंह, संजय पारिक, शीतल पांडे, प्रवेश शर्मा, रितेश मनोचा अपने भजनों से श्याम बाबा के भक्तों को रिझाएंगे। श्री भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति पश्चिम नागपुर की ओर से रक्तदान शिविर एवं निशुल्क स्वास्थ्य जांच का आयोजन अरिहंत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयोजित किया गया। 45 वर्ष की आयु से अधिक व्यक्तियों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच, रक्त जांच, आंखों की जांच, दंत चिकित्सा, बोन डेंसिटी टेस्ट, डायबिटिक न्यूरोपैथी असेसमेंट स्कैन आदि का समावेश था। रक्तदान शिविर में 303 लोगों ने रक्तदान कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसी के साथ 300 से अधिक लोगों ने निशुल्क स्वास्थ्य जांच का लाभ लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक सीए पवन खाबिया, सोहन झामड़, सीए अखिल दरडा, सीएस पीयूष कटारिया के साथ अन्य कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएं दी। रक्तदान एवं स्वास्थ्य शिविर के प्रमुख अतिथि रसिलाबेन कुसुमगर सहित सहयोगी संस्थाओं के प्रमुख निखिल कुसुमगर, प्रफुल खिवंसरा, डॉक्टर उत्कर्ष शाह, सीए आनंद ओस्तवाल, पूजा तातेड़, संजय कोठारी, अर्चना जवेरी, रूपम बर्डिया, अनिश झाजेड, गौरव बत्रा, सीएस रोहन मेहरा, राज अग्रवाल, देविन कोठारी, प्रवीण कोठारी, प्रीतेश चांडक, अंकित आबड़ एवं अजित गोलछा उपस्थित थे। कुसुमगर चैरिटेबल ट्रस्ट मुख्य प्रायोजक एवं सहयोगी संस्थाएं भारतीय जैन संगठन नागपुर, सेंट्रल एवं लेडीज विंग, यूथ एवं लेडीज विंग, ऑरेंज सिटी, जैन 15 रोटरी क्लब ईशान्य, रामदास पेट प्लॉट ओनर्स एसोसिएशन, समता युवा संघ, महालक्ष्मी इंफ्रास्ट्रक्चर, श्री महावीर युवक मंडल एवं भारतीय अग्रवाल एकता क्लब का पूर्ण समर्थन मिला। शहर के प्रख्यात मंच संचालक एवं कवि डॉक्टर महेश तिवारी द्वारा लिखी गई त्यागमूर्ति महर्षि दधीची चालीसा एवं तपोनिष्ठ महर्षि दधीची पंचदशी पुस्तिका का लोकार्पण परम श्रद्धेय संत श्री गोविंद देव गिरी महाराज के हस्ते संपन्न हुआ। आचार्य श्री गोविंद देव गिरी महाराज ने रचनाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की एवं डॉक्टर महेश तिवारी को आशीर्वाद प्रदान किया। हाल ही में प्रकाशित इस पुस्तिका में महेश तिवारी ने उपरोक्त दोनों रचनाओं में त्यागमूर्ति महर्षि दधीच के जीवन एवं इतिहास सहित मानवता हेतु अस्थिदान आदि का सुंदर वर्णन किया, जिस हेतु सभी ने उनको बधाइयां भी दी। साथ ही अपनी कुलदेवी मातेश्वरी दधीमति पर पूर्व में लिखी गई मातेश्वरी दधीमति चालीसा को भी इसी पुस्तिका में प्रकाशित किया गया, जिसे प्रख्यात
भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा ने मातेश्वरी तधीमति के पारंपरिक छंदों के साथ गाया भी है। डॉक्टर महेश तिवारी ने इसके पूर्व भी स्वयं लिखित काव्य एवं भजन रचनाओं की कुछ पुस्तिकाओं को भी जनहितार्थ प्रकाशित किया गया था। उपरोक्त आयोजन में 3 से 4 हजार दाधीज बंधु एवं मातृशक्ति की उपस्थिति थी। सोहनलाल पलोट, हरिनारायण व्यास, घनश्याम सुंठवाला, लक्ष्मी नारायण सुंठवाला, जयकिशन सुंठवाला, रामचंद दायमा, राजेंद्र भेड़ा, उदय व्यास सहित अन्य लोगों का सहयोग भी प्राप्त हुआ। वाड़ी में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में भव्य रैली का आयोजन किया गया। वाड़ी टी पॉइंट से लावा पंचमुखी हनुमान मंदिर तक सुंदर सुंदर झांकी निकाली गई। जगह जगह अल्पाहार एवं नाश्ते की व्यवस्था भी की गई। श्री बांगे बिहारी मंदिर में भक्तों द्वारा महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर भारतीय सभा के वाड़ी अध्यक्ष प्रवीण सिंह, उपाध्यक्ष सुष्मित सिंह राजपूत, हर्ष सिंह, पी एस तिवारी, मान सिंह ठाकुर, धर्मेंद्र सिंह, अंजनी मिश्रा, सीता तिवारी, बीना केसरवानी, हनुमान शर्मा, कैलाश शर्मा ने भरपूर सहयोग दिया। प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा यादव नगर चौक में मनाया गया। रमजान का रोजा खोलने के बाद प्रसाद वितरण किया गया। अब्दुल कदीर, लाला कुरेशी, मोर्चा के महामंत्री राशिद काजी, छोटे साहब खान, रशाद हुसैन, मोहसिन खान, सारिका कुरेशी, भोलानाथ सहारे, राजू भाटिया, अजिंक्य सहारे, शिवचरण यादव ने यादव नगर चौक हनुमान मंदिर में महाप्रसाद का वितरण किया। पूज्य समाधा आश्रम के हाल में सिंधी सोशल फोरम द्वारा अस्थि रोग व त्वचा रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। मंच पर शिविर के संयोजक श्याम तहिलियानी, सिंधी सोशल फोरम के महासचिव अशोक माखीजानी, सिंधी सोशल फोरम के अध्यक्ष मोहन मंजानी, डॉक्टर आशीष आसुदानी, अस्थि रोग तज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमन खुराना, पी दारा, समाधा आश्रम के फतनलाल गोपचंदानी, मोहन सचदेव, दर्शन कुकरेजा उपस्थित थे। शिविर का आरंभ दीप प्रज्वलित कर व इष्टदेव झूलेलाल, पूज्य साई शिव भजन महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया गया। अतिथियों का स्वागत इंद्र रुघानी, अर्जुन जग्यासी, अशोक माखीजानी, श्याम तहिलियानी, डॉक्टर राजकुमार खियानी व सुंदर तारवानी ने किया। जीतू बेलानी का स्वागत सुरेश आहूजा ने किया। सिंधी सोशल फोरम के अध्यक्ष मोहन मंजानी ने संस्था के सामाजिक कार्यों की जानकारी दी। शिविर का 225 लोगों ने लाभ लिया। निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। ये शिविर पूर्ण रूप से निःशुल्क आयोजित किया गया व बोन डेंसिंग की जांच मशीनों के जरिए की गई। मंच संचालन नीलम ठकवानी ने किया और उन्होंने पूज्य समाधा आश्रम की गतिविधियों की जानकारी भी दी। शिविर की सफलतार्थ परमानंद विधानी, कंचन गेहानी, शंकर मंचंदिया, आशा मोटवानी, मुरली खटवानी, सरिता आहूजा, वासुदेव हिरानी, ईश्वर अमरनानी, इंद्र वाधवानी, नारायण तहिलियानी, चंद्र लालवानी, गुरुदास हेमराजानी, रजनी शर्मा, हरीश मायादासानी, गोपाल खटवानी, शंकरलाल मूलचंदानी, अशोक जेसवानी, हर्ष कटारिया ने अथक प्रयास किए। राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन और कोविडशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा। आज शाम के 4 बजे तक टीकाकरण होने वाला है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविडशील्ड का टीका निःशुल्क दिया जाएगा। मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है। पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है। ये जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बरडी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक किया जाएगा। ये जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीके वी न्यूज़। नमस्कार।